तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर हम कर चुके हैं, वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर कौन से एरर्स होते हैं? जैसे कि पहले मैंने बताया था, टू साइडेड एरर्स वो एरर्स होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। मींस ट्रायल बैलेंस से उन एरर्स को पकड़ ही नहीं सकते, हम ढूंढ ही नहीं सकते, लोकेट नहीं कर सकते। ऐसे एरर जो जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता वो तो होते हैं हमारे टू साइड एरर्स। और ऐसे एरर्स जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करता है, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आ जाता है, उसे हम बोलते हैं वन साइडेड एरर। मतलब जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। तो जब ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होता है, जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो आप क्या करते हो? कोई बताएगा मुझे कि ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, टैली नहीं किया, तो क्या करेंगे हम? अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे और वो टैली नहीं हुआ तो क्या करेंगे? व्हाट वी डू? जब ट्रायल बैलेंस बनाया और वो टैली नहीं हुआ तो हम जो भी डिफरेंस आता है उसे एक अकाउंट में डाल देते हैं। उसका क्या नाम है उस अकाउंट का जिसमें उसको डाल देते हैं डिफरेंस को? किसी को याद हो? उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। जब कभी भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता और हमने सब कुछ चेक कर लिया कि हमने कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक हमसे नहीं हुई है, और अगर उसके बाद भी अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो उसका मेन रीजन है हमारा कि कोई ना कोई हमसे एरर हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं की, गलती से रिकॉर्ड हो गई, या कोई भी सो एवर जो भी हो, तो हम डिफरेंस को एक सस्पेंस अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं, नेम सस्पेंस अकाउंट, और उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट ऑफ वन साइड एरर में भी जब आप रेटिफाई करोगे, वन साइड एरर में भी जब आप रेटिफिकेशन करोगे, तो इस रेटिफिकेशन में एक ही चीज का ध्यान रखना है हमें मेनली, कि जो भी एरर्स हमारे रह जाएंगे उनको रेटिफाई करते टाइम भी सस्पेंस अकाउंट रेटिफिकेशन एंट्री में भी, जैसे कि इसको सीखा जा सकता है मेन क्वेश्चन से ही, इसमें वैसा कोई तरीका नहीं है सीखने का, क्योंकि एरर्स के रूल्स तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। और इसमें आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 15 से। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन उसमें मिस्टेक्स जो है वो बहुत सारी कर रखी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है, इसने दो तरह से आपको बताना है, दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन्ड विद डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, की सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं किया, और दूसरा बी दैट अ सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन्ड। तो हम फिलहाल एरर्स में सिखा रहा हूं आपको कौन से जिसमें हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 13-14 नहीं करने है डायरेक्टली, आपको क्वेश्चन करने है किससे? 15 से क्वेश्चन करने। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहली एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन। मतलब गुड्स कॉस्टिंग, इसमें सभी जगह एंट्री वही सेम है बार बार। मैं आपको मेन बता रहा हूं कि उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गलती से रोम क्या कर दी, और जो हमारा मेन आंसर, मतलब उसको रेटिफाई कैसे करेंगे, रेटिफाइंग एंट्री कौन सी। तो सबसे पहले इसने बोला है कि गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन, तो एंट्री होनी चाहिए थी आपकी क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन ₹800। लेकिन आगे क्या कह रहा है, वर्क ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए, तो हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 800। एंट्री थी हमने सचिन से परचेज करे थे गुड्स ₹800 के, लेकिन हम उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट करना भूल, मतलब परचेज से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं है, परचेज में रिकॉर्डिंग हो गई, परचेज में कोई भी गलती नहीं थी, गलती हुई है सिर्फ किसमें हुई है, वो हुई है हमारी क्रेडिट में, कि उसके अकाउंट को राम के सचिन के अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर पाए। तो रेटिफाई करने के लिए क्या करना है, जो अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ उसको तो क्रेडिट कर देंगे टू सचिन अकाउंट 800। लेकिन ये एंट्री पूरी नहीं है, पूरी कैसे करेंगे इसमें, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। वन साइड एरर में एक चीज है, वन साइड एरर में मतलब या तो जो मिस्टेक है वो डेबिट में रह गई या क्रेडिट में रह गई, जो भी एरर है वो एक साइड आएगा, लेकिन उस जनरल एंट्री को पूरा करने के लिए आपको उसके अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट को लिख देना है। सस्पेंस अकाउंट लिख के ये एंट्री पूरी करनी पड़ेगी। इस
इसी की दूसरी एंट्री दे रखी है कि गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन, मतलब ये एंट्री सेम है, हर एक केस में ये एंट्री जो है हमारी क्या है सेम है, लेकिन अगले में क्या कर रखा है इसने कि गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 80, मतलब अब इस केस में एंट्री कैसे रिपोर्ट करती, परचेज अकाउंट डेबिट 800 लेकिन सचिन को क्रेडिट तो किया है हमने, लेकिन सचिन को क्रेडिट कितने से किया है, सिर्फ 80 से, हमने गुड्स खरीदे थे 800 के लेकिन उसको क्रेडिट किया है सिर्फ 80 से, तो इसका मतलब सचिन 720 रुपीज से 720 रुपए से सचिन कम क्रेडिटेड है, 720 रुपए सचिन कम क्रेडिटेड है, तो क्या करेंगे हम, उसे क्रेडिट ही करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए, तो यहां पर एंट्री होगी टू सचिन, अब मैं पहले इसी लिख रहा हूं अभी आपको नहीं लिखना ऐसे 720, अब एंट्री तो पूरी नहीं है, पूरी करने के लिए क्या होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था तो भी हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते थे एरर की वजह से कि कोई गलती रह गई है, एरर को रेक्टिफाई करते टाइम भी आधे में तो एंट्री ठीक हो जाएगी, जो बचेगा अकाउंट उसमें आएगा सस्पेंस, तो यहां पर हम उसको डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन 720। अब अगली एंट्री में बोल रखा है सेम की गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट फॉर क्रेडिट टू हिज अकाउंट, अब उसके अकाउंट में क्या कर दिया हमने, से तो सेकंड एंट्री का बताया था मैंने, थर्ड एंट्री में कह रहे हैं कि सचिन को क्रेडिट तो किया है थर्ड केस में, मैं सारे केस इसी में कर दूंगा, अब मैं बता रहा हूं थर्ड केस, लेकिन उसको क्रेडिट कर दिया 880 से, उसको क्रेडिट कर दिया 880 से, मतलब 80 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गया सचिन, तो अब रेक्टिफाइंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हो गया तो सचिन को डेबिट करना पड़ेगा, सचिन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रुपीज 80, 80 रुपए से एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में कह रखा है कि गुड्स खरीदे हमने परचेज सचिन से, लेकिन सचिन को हमने डेबिट कर दिया, मतलब यहां पर इसने फोर्थ में क्या किया है केस में, फोर्थ केस में सचिन को क्रेडिट करने की बजाय, सचिन को क्रेडिट करने की बजाय हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब इस तरह से एंट्री कर दी, परचेज में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सचिन होना चाहिए था क्रेडिट कर दिया डेबिट, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए फोर्थ केस में यही वाली एंट्री में यहां पर रेक्टिफाई दोबारा, चलो मैं दोबारा से कर लेता हूं उसको नीचे, अब होगी हमारी एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1600 टू सचिन 1600, क्योंकि गलती से अब डबल अमाउंट क्यों कर दिया, सचिन को क्रेडिट करने की बजाय हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो उसको क्रेडिट करेंगे अब डबल अमाउंट से, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन 1600। फिफ्थ केस में हमने उसको डेबिट तो किया है, हमने उसको डेबिट तो किया है, लेकिन कितने से किया है, सिर्फ 80 से, तो अब उसको हम क्रेडिट करेंगे 880 से, इसका जो आंसर होगा रेक्टिफाइंग एंट्री वो होगी हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 880 टू सचिन 880। इसमें आपने देखा है कि हमेशा जो एंट्रीज है हमें रेक्टिफाइंग एंट्री हाफ होती है, वन साइड एरर में कंप्लीट एंट्री नहीं होती, और उस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट। जैसे ही रेक्टिफाइंग एंट्री होती है, सिर्फ सॉल्यूशन इतना नहीं है कि आपने पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पांचों एंट्रीज रेक्टिफाई कर दी, ये हमारी थी फर्स्ट, ये थी सेकंड, ये थी थर्ड, ये थी फोर्थ और ये थी फिफ्थ, कितने से क्वेश्चन पूरा होगा, हमें एक सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ता है इस क्वेश्चन में, सस्पेंस अकाउंट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई भी टिपिकल अकाउंट नहीं है, सबसे पहले इसमें करना क्या है सस्पेंस अकाउंट में, आपने इसके बाद एक क्वेश्चन और भी करवाऊंगा आपको मैं, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसमें सस्पेंस अकाउंट में बहुत सिंपल है, या तो क्या हो सकते हैं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन ने सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा, या तो क्वेश्चन आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन करेगा
या क्वेश्चन आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं करेगा। तो दोनों में फर्क क्या होगा? अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है, आप उसको डेबिट में लिख दो क्योंकि ये साइड अकाउंट्स की डेबिट होती है और ये होती है क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आप यहां लिख दो। तो दोनों में से जो भी बैलेंस गिवन है लिख दो, और अगर ये बैलेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है और वो बैलेंस अपने आप निकल जाएगा नीचे, बाद में हम निकाल देंगे। कैसे? अब इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करने हैं? जैसे ही आप सॉल्यूशन कर चुके हो जनरल एंट्री का, जैसे ही सॉल्यूशन कर चुके हो जनरल एंट्री का, ये देखो कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट कब कब हुआ है, फर्स्ट एंट्री में भी, सेकेंड एंट्री में भी, फोर्थ एंट्री में भी और फिफ्थ एंट्री में भी, मतलब पांच एंट्रीज में से चार एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है और सिर्फ एक ही एंट्री में क्रेडिट। तो आपको बता दूं, जिस जिस जनरल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, जिस जिस जनरल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है वो डेबिट साइड लिखी जाएगी, लेकिन नाम अपोजिट वाले का आएगा। टू सचिन पहली वाली एंट्री 800, टू सचिन दूसरी वाली एंट्री 720, टू सचिन चौथी वाली एंट्री 1600, टू सचिन लास्ट वाली एंट्री 880। ये वो लिख दिए मैंने जहां जहां पर सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट। जहां जहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा वो लिखी जाएंगी डेबिट साइड, बैलेंस नहीं था तो बैलेंस वाला हटा दो, कोलम नहीं आएगा बैलेंस अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दे रखा। और जिस जिस जनरल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट होता है क्रेडिट, जैसा कि सिर्फ कौन सी एंट्री में, फोर्थ में, तो यहां पर ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी, लेकिन जो अमाउंट आएगा वो आएगा, नाम आएगा किसका, अपोजिट वाले, सचिन, और अमाउंट है 80। अब इसको कैसे करेंगे रेक्टिफाई, मतलब ये अकाउंट बन गया, मतलब फिर बता रहा हूं सस्पेंस अकाउंट बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में 6 एंट्रीज हैं तो आप 6 एंट्री में देखो कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट किस किस एंट्री में है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट किस किस एंट्री में है, और जिस जिस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है वो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, नाम अपोजिट वाले का आएगा, मतलब जो सस्पेंस से अलग जो नाम था वो आएगा, और जिस जिस जनरल एंट्री में सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट वो आएगी क्रेडिट साइड। सस्पेंस अकाउंट हो रहा है डेबिट तो डेबिट साइड, सस्पेंस अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट साइड, नाम अपोजिट वाले आएगा इसे। और बाद में आपको क्या करना है, टोटल कर देना है। जैसे आप टोटल कर दोगे, टोटल करने के बाद आप जो यहां का टोटल है वो कितना हो गया हमारे, ये हो जाएगा टोटल हमारा बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका बैलेंस पुट कर दोगे। जिस जिस जनरल एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट था वो क्रेडिट साइड आएगी, जिस जिस जनरल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट था वो डेबिट साइड आएगी। क्वेश्चन में पहले से बैलेंस दे रखा हो तो पहले से बैलेंस लिख दो, तो उस केस में आपका बाद में बैलेंस बचेगा नहीं, और अगर पहले से बैलेंस लिख दे रखा है तो सारी एंट्री पुट करके बैलेंस आपको निकाल दो। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 17 मैं करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 17 उसको ध्यान से सीखें कि कैसे जनरल एंट्री करनी है और कैसे हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वन साइड एरर में। बाकी वन साइड एरर के क्वेश्चन आएंगे आपको क्वेश्चन करके, वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्वेश्चन वैसे नहीं समझ में आएंगे जब तक आप उनको करके नहीं देखोगे। तो हम करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17 की पहले करूंगा मैं जनरल एंट्री और बाद में बनाऊंगा मैं सस्पेंस अकाउंट कि कैसे हमें उन ट्रांजैक्शंस को पुट करना है सस्पेंस अकाउंट में और कैसे उनकी रेक्टिफाई एंट्री करना। तब तक आप उस क्वेश्चन को रीड कर लो। तो सारे क्वेश्चंस आप तो अपनी कॉपी में प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कभी आप वैसे ही उसको बिना फॉर्मेट के कर लो। अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, लेजर फोलियो,
पर्टिकुलर्स और डेट। ये डेट वाला कॉलम है आपको नहीं दिख रहा है, इसमें पूरा जो प्रॉपर है वो कॉलम जो है वो डेट का है। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को, रीड करते हैं। देखो इसमें पहले से ही बैलेंस गिवन है, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 430 ट्रायल बैलेंस, इट वाज प्लेस ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का बैलेंस दे रखा है 430, तो पहले से मैंने बैलेंस लिख लिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं हम। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड, हमें ये फॉलोइंग एरर्स मिले, पास रेटिफाइंग जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। रेटिफाइंग एंट्री पास कर दो और सस्पेंस अकाउंट बना दो। तो रेटिफाइंग एंट्री पास करके सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा, आप देखो। सबसे पहली एंट्री थी परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। अब परचेज बुक ओवरकास्ट है तो परचेज बुक का जो टोटल होता है ना बेटा, वो जाता है परचेज अकाउंट में। परचेज बुक का टोटल कहां जाता है, परचेज अकाउंट में। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। कास्टिंग होता है टोटलिंग, कास्टिंग किसको बोलते हैं, टोटलिंग को, हमने उसका टोटल ज्यादा कर दिया। परचेज बुक का टोटल हमने ज्यादा कर दिया है, कितना ज्यादा कर दिया है, वो है हमारा 100। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज 100 से ज्यादा डेबिट है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट रुपीज 100। सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स बुक भी ओवरकास्ट है, तो सेल्स होता है क्रेडिट, तो उसे करना पड़ेगा रिवर्स डेबिट। तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, इसमें अमाउंट दे रखा है हमें 1000 का। थर्ड एंट्री है गुड्स फॉर 800, गुड्स फॉर रुपीज 800 परचेज फ्रॉम उमाकांत। उमाकांत से हमने गुड्स परचेज किए हैं through entered in purchase book। अब purchase किए purchase book में तो enter हो गई, has not been posted to his account। अब उसके account में post नहीं हुई, मतलब हमने goods की entry करनी थी purchase to उमाकांत। अब purchase में तो record हो गई, उमाकांत के account में post नहीं हुई, तो उमाकांत का account credit होना था, credit नहीं हुआ, तो entry होगी suspense account debit to उमाकांत, amount आएगा 800, suspense account debit to उमाकांत 800। उसके बाद कह रहा है कि an amount of rupees 500 has been posted to the credit side of commission, मतलब हमने commission को credit किया है 500 रुपए से instead of 570, मतलब commission को credit करना था 570 रुपए से, उसकी जगह पे हमने उसको 500 से credit कर दिया, मतलब commission account is credited with rupees 500 instead of 570, 70 रुपए से कमीशन कम क्रेडिटेड है, तो उसको क्रेडिट करके ठीक करेंगे। एंट्री में आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन रुपीस 70। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि गुड्स सोल्ड टू भारती, हमने भारती को गुड्स बेचे हैं कितने के, 4400 के, 4400 के 4400 गुड्स भारती को बेचे गए हैं, और उसके बाद लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करा है, सिर्फ रिकॉर्ड किया है एस 4000 किसके अकाउंट में, टू हर अकाउंट, मतलब भारती को गुड्स बेच दिए 4400 के, लेकिन भारती के अकाउंट में हमने उसको रिकॉर्ड किया है सिर्फ 4000 से, मतलब 400 रुपए से भारती कम डेबिटेड है, तो इसकी रेटिफाइंग एंट्री होगी भारती डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट। लास्ट एंट्री, हमने एक्स को गुड्स बेचे थे 750 के, हमने एक्स को गुड्स बेचे थे 750 के, लेकिन उसे गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ये एंट्री वन साइड एरर नहीं है, ये टू साइड एरर है, हमने गुड्स बेचे सेल्स की एंट्री परचेज में रिकॉर्ड हो गई, तो एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। जरूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस में आपके वन साइड एरर की ही क्वेश्चंस मिले, आपके क्वेश्चन में वन साइड एरर वाले में टू साइड एरर भी कोई भी मिल सकता है,
तो इस तरह से तो स्टूडेंट्स आपका होगा सॉल्यूशन किस चीज का, जर्नल एंट्री का। पहली एंट्री थी कि परचेज बुक ओवरकास्ट थी, मतलब परचेज अकाउंट 100 से ज्यादा डेबिट था, मुझे क्रेडिट कर दिया, डेबिट पे आ गया सस्पेंस। सेल्स बुक ओवरकास्ट थी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। उमाकांत से हमने गुड्स परचेज किए थे लेकिन उमाकांत के अकाउंट में एंट्री नहीं रिकॉर्ड कर पाए, सस्पेंस टू उमाकांत। कमीशन को क्रेडिट किया 500 से, करना था 570 से, तो सस्पेंस टू कमीशन 70। भारती को गुड्स बेचे थे हमने 4400 के लेकिन भारती के अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाए सिर्फ 4400 कम थे, तो एंट्री हो गई भारती टू सस्पेंस। और एक एक्स को गुड्स बेचे थे गलती से, परचेज में एंट्री कर दी, तो ये हमारा टू साइड एरर बन गया। अगर ये कह देता ना कि क्या कहते हैं एक्स अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड, अगर ये कहता कि एक्स का अकाउंट ठीक ठाक से डेबिट हो गया था, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे सस्पेंस अकाउंट आता। ऐसी भी एंट्रीज है कि हमने गुड्स करे थे परचेज लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में, बट हाउएवर एक्स अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड, कि एक्स का अकाउंट ठीक ठाक डेबिट हो गया, तो इसका मतलब गलती ये हुई है कि जो सेल्स था वो क्रेडिट हुआ नहीं और परचेज गलती से डेबिट हो गया, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज, जिसके ऊपर क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो उसी पर बेस्ड है। अब इसका सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो सिंपल है, मैंने बताया था जिस जिस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, जिस जिस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है वो एंट्री सारी आएंगी आपकी किस साइड, वो एंट्री आएगी डेबिट में, और जिस जिस पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है राइट साइड। अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट किस में है, 1 2 3 तीन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, इनको डेबिट साइड लिख दो, टू परचेज 100, उसके बाद है टू उमाकांत 800, और उसके बाद हमारा टू कमीशन 70। क्रेडिट किस किस में है, एक और दो, दो एंट्रीज में क्रेडिटेड है, बाय सेल्स 1000 और बाय भारती 400। अगर आपको बैलेंस पहले से ही गिवन था, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस पहले से ही गिवन था, तो आपका सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो टैली हो जाना चाहिए, आपका जो बैलेंस है वो टैली हो जाना चाहिए। इधर का टोटल आ रहा है 1400, इधर का टोटल आएगा 430 प्लस 7500 और ये 600, यहाँ का भी आ रहा है 14। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन ही नहीं होता है क्वेश्चन में, जैसे बैलेंस का क्वेश्चन पहले से ही गिवन था, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में गिवन था। अगर बैलेंस गिवन होता है तो सस्पेंस अकाउंट आपका टैली हो जाता है दोनों साइड इक्वल, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है वो ठीक है। और अगर बैलेंस टैली बैलेंस ना दे रखा हो, तो आप जो भी साइड ज्यादा होती है, जिस भी साइड का बैलेंस ज्यादा होता है, उसमें से कम वाली साइड को माइनस करके उसमें आप बैलेंस को पुट कर सकते हो, तो आपका बैलेंस उस साइड आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें करने हैं वन साइड एरर के क्वेश्चन। फिर भी दो क्वेश्चन मैं आपको यहां करवा चुका हूं, फिर भी प्रैक्टिस के लिए पहले ज्यादा परेशान ना होकर, पहले प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन की कुछ इसकी जो है इलस्ट्रेशन है मैं मेंशन कर रहा हूं, कौन कौन सी इलस्ट्रेशन करनी है होमवर्क के लिए, होमवर्क में आपको आज करनी है इलस्ट्रेशंस, कुछ इलस्ट्रेशंस बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर लेना बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 12 करने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर लेना, और इलस्ट्रेशन नंबर 16 कर लेना। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो करने हैं आपको फिफ्टीन 16 और 17, छह क्वेश्चन आपके लिए टोटल दिए हैं आज मैंने, तीन इलस्ट्रेशंस, पहले इलस्ट्रेशन करना, सभी में सस्पेंस अकाउंट है, और क्वेश्चन नंबर 15 में सस्पेंस अकाउंट नहीं बनना, 15 17 में करा चुका हूं, और 16 बेसिकली किस पर बेस है, इसमें सिर्फ एंट्री किसकी है, परचेज की गलती से सेल्स में चली गई, सेल्स की गलती से परचेज में चली गई, सेल्स रिटर्न की गलती से परचेज रिटर्न में चली गई, परचेज की गलती से सेल्स में चली गई। लेकिन एक ध्यान रखना, इसमें पर्सनल अकाउंट ठीक ठाक है। अगर यही एंट्री में बात करूं कि हमने गुड्स परचेज करे थे एक्स से और उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और साथ में ये बोल दे हाउएवर एक्स अकाउंट इज करेक्टली डेबिट, तो मुझे एक्स अकाउंट की जगह सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन है इसमें जहां जहां पर आपको लगता है पर्सनल अकाउंट का मतलब है डेटर या क्रेडिटर या जो भी नाम है उसकी जगह पे सस्पेंस अकाउंट आएगा, ध्यान देना इस चीज का।